सच जब दो बार यीशु मसीह सच कहता है उस बातों में बहुत पावरफुल है, उसको समझना बहुत जरूरी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य, उसका मतलब हमको नया सिरे से जन्म होने का है। ओके, हम शरीर में जन्म हुआ इसलिए हम इधर बैठे हैं। कोई बिना शरीर का है? सब शरीर वाले? ओके, हम शरीर से जन्म लिए हैं, पर इधर वो शरीर की जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, आप अगर नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य जाने की बात तो छोड़ो, देख नहीं सकता। कौन? जो नए सिरे से जन्म नहीं लेता। किसी से पूछो नहीं, नए सिरे से जन्म लेना क्या है? जोर से पूछो ना, आवाज करके पूछो ना। वही स्वर्ग राज्य प्रवेश करेगा जो नए सिरे से जन्म लेने का। आमेन। क्या है नए सिरे से जन्म लेना? आगे पढ़ी। निकोदिमस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब इतना बड़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? कैसे करके जन्म ले सकते हैं? नए सिरे से कैसे जन्म हो सकता है? मैं तो जन्म लेके बड़ा हो गया, नए सिरे से कैसे जन्म हो सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? क्या जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह उसको बता रहा है, ए निकोदिमोस, हे ज्ञानियों का ज्ञानी, नए सिरे से जन्म लेना मतलब, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई मनुष्य पानी और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में यानी कि परमेश्वर का राज्य कौन सा? स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग राज। जोर से बोलो, स्वर्ग राज। यीशु मसीह का राज है स्वर्ग राज, स्वर्गों में होता है स्वर्ग राज। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? जब तक कोई तो न आत्मा और जल और आत्मा से न जन्मे पानी और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में, कल हम बपतिस्मा दिया पानी का, वो पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा। जो व्यक्ति पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा, आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाएगा, वो स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। हालेलुया। कई बोलते हैं उद्धार पा लिया तो स्वर्ग जाएंगे, कई बोलते हैं यीशु मसीह को जानते तो स्वर्ग में। नहीं भाई, ये यीशु मसीह खुद कह रहा है, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ, अगर तू पानी और आत्मा की बपतिस्मा नहीं पाएगा, अगर तू नए सिरे से नहीं जन्म लेगा, तू स्वर्ग राज्य जाने की बात छोड़, देख भी नहीं सकता। किसी को बोलो हैं? कम जोर से बोलो हैं, चिल्ला के बोलो हैं। कितने लोग समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है बपतिस्मा? और लोग खिलवाड़ करके रखे बपतिस्मा में। आप क्रिश्चियन नहीं बनते, आप नए सिरे से जन्म लेते हैं। देखो, हमको बपतिस्मा करने से स्वर्ग नहीं जाता है, बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग नहीं जाते। पूछो ना, बपतिस्मा फिर क्यों लेते हैं? हम यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। जो स्वर्ग में बैठे उसके साथ एक होता तो आप उसके साथ स्वर्ग में चला जाता है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? नए सिरे से जन्म लेना मतलब पानी और आत्मा की बपतिस्मा लेना। ओके, क्या लिखा है? यीशु मसीह खुद कह रहा है, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य पानी और आत्मा से ना जन्मे यानी पानी और आत्मा की बपतिस्मा ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया, सुनो, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? ये जीवन अगर जी के बाद
स्वर्ग नहीं जाते तो सब सुनी हो गया, सब क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। किसी को बोला हम क्यों जी रहे, जब से बोलो ना, जहां पर यीशु मसीह है उधर जाने के लिए। वो कौन सा राज्य है? स्वर्ग राज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। यीशु मसीह खुद कह रहा है, अगर तू पानी और आत्मा की बपतिस्मा नहीं लेगा तुम स्वर्ग राज नहीं प्रवेश कर सकता, देख भी नहीं सकता, प्रवेश करने की बात छोड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? किस लिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है? सीखो, समझो, करो। कई लोग बोलते हैं मैं पवित्र होकर बपतिस्मा लेगा, अभी समय नहीं हुआ। समय कब हुआ भाई? जब आप लेते हैं बपतिस्मा तब समय है भाई। कोई कोई बोलते हैं मुझे यीशु मसीह बोलेगा तब करेगा, यीशु मसीह बोलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि 30 बार यानी कि 30 वाक्यों में परमेश्वर का वचन कहता है बपतिस्मा लो, बपतिस्मा दिया गया है। हालेलुया, किसी को बोलो एड़ा मत, एड़ा होकर मत बैठ। क्या सुनने के बाद एड़ा होकर बैठेगा तो क्या फायदा? कुछ नहीं। हालेलुया, खबर जोर से बोलो, क्या नए सिरे से जन्म लेना मतलब पानी का बपतिस्मा लेना और आत्मा का बपतिस्मा लेना, ठीक है? जब तक आप नहीं लेंगे आप स्वर्ग राज नहीं प्रवेश करेंगे। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर से बोलो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु यीशु खुद बोला, सच सच मैं कहता हूं अगर तू पानी और आत्मा की बपतिस्मा नहीं लेगा तू स्वर्ग देख नहीं सकता, स्वर्ग जा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछले दिन बपतिस्मा दिया, जो जो बपतिस्मा लिया प्रभु को धन्यवाद, जो नहीं लिया है जल्दी से सीखो, नहीं जानता है सीखो, समझो क्यों चाहिए। YouTube में हम वीडियोस डाले उसे देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। जोर से बोलो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, चिल्ला के बोलो पवित्र। बपतिस्मा मतलब क्या है? डुबाना, डूबना। बपतिस्मा मतलब क्या है? ग्रीक शब्द है बैप्टिसो, उसका मतलब है डूबना। मैं कोई चीज को पानी में डुबाता है तो पानी में उसका बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह खुद पानी में बपतिस्मा लेकर लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों में लेकर खुद यीशु मसीह बपतिस्मा पानी से लेकर आया, ऊपर आया, पानी में उतरा, बपतिस्मा लिया और ऊपर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह को दरकार है कितने अधिक मुझे और आपको दरकार है। यीशु मसीह बिना पाप के जिए, हम तो कितने कांड किए हैं, कीड़े मकोड़े किए हैं। हालेलुया, हमें कितने अधिक दरकार है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। कैसे चलो? आत्मा के अनुसार चलो। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते आप शरीर में चलते थे, आंख दिखाते थे, कान सुनाते थे, मुंह बोलवाते थे, हाथ स्पष्ट करते थे, पांव चलाते थे। जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं फिर आप शरीर में नहीं, आप आत्मा में चलते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो मैं आज से आत्मा में चलूंगा। हम देख देख के नहीं चलते, हम विश्वास में चलते हैं, उसमें मतलब हम आत्मा में चलते। क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा। हम मानव जाति के सबसे उत्तम समय में, जोर से बोलो उत्तम समय में प्रभु हमें रखा है। पुराने नियम में लोग जब पुकारते थे परमेश्वर पवित्र आत्मा उतरते थे, कार्य करके जाते थे। पुराने समय में मूसा के समय, नूहा के समय, अब्राहम के समय परमेश्वर उतरता था, इवन आदम के समय परमेश्वर उतर के बात करता था। हालेलुया, जोर से बोलो ना, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। हालेलुया, इसलिए मैं धीमे से जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत फास्ट हूँ मैं।
पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। पुराने नियम में क्या था, परमेश्वर को जब पुकारते थे परमेश्वर पवित्र आत्मा उतरते थे, कार्य करके जाते थे। 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आया मनुष्य बनके, ईश्वर था मनुष्य बनकर। वो एक युग था जो पिता का युग था, यहोवा का युग था, परमेश्वर का युग था। उसके बाद एक युग था जो यीशु मसीह का था। यीशु मसीह जहां जहां जाते थे चमत्कार होते थे, अंधा देखते थे, लंगड़ा चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे। हालेलुया। अभी भी चमत्कार है, कितना लोग विश्वास करेंगे? आपके जीवन में हर रोज प्रभु चमत्कार करेंगे आपको विश्वास करने का। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, वो आपके जीवन में कार्य कर। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जो भी पुकारेगा उस नाम को प्रभु की सामर्थ उसके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यीशु मसीह आया, पर यीशु मसीह जहां जाते थे उधर चमत्कार होते थे। कोई बात मत कर बीच में, ओके? किसी को बोलो शांत, कम ऑन जोर से। इवन टॉयलेट भी जाना मना, ओके? हालेलुया। क्या बोल रहे थे किधर? देखो बीच में डिस्ट्रैक्ट करते तो मैं कनेक्शन टूट रहा है। किसी को बोलो कनेक्शन तोड़ेगा तो पास्टर गुस्सा होगा। ओके, कहाँ था भाई? हाँ, यीशु मसीह जहां जाते थे वे चमत्कार करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर था। आमेन। पर यीशु मसीह कहाँ था? यरूशलेम, नासरत, बेथलेम, उन्हीं जगहों में चमत्कार होते थे। पर प्रभु चाहता है कि पूरा दुनिया में चमत्कार हो। जोर से बोलो पूरा दुनिया में। चिल्ला के बोलो पूरा दुनिया में चमत्कार। तो यीशु मसीह बोला मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी मदद के लिए एक मददगार को भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अभी किधर है? जोर से बोलो ना, मेरे अंदर। चिल्ला के बोलो ना, मेरे अंदर। किधर है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है, व्यक्ति है, वो जीवित है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमारा आप उसके मंदिर है। जो से बोलो मंदिर है। मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। कितना लोग समझ रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा नहीं आते हमको यीशु मसीह को देखने के लिए, हमको यरूशलेम जाना पड़ता था, नासरत में जाना पड़ता था, बेथलेम में जाना पड़ता था। पर पवित्र आत्मा का धन्य हो हम जहां पर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर परमेश्वर की दर्शन दिखाता है। हालेलुया। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में प्रभु नहीं रहता है, हम और आप में प्रभु रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य बनाया भवनों में परमेश्वर नहीं रहता है, जो परमेश्वर बनाया भवन में रहता है। हमको और आपको कौन बनाया? इस भवन में वो रहना चाहता है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? आज के बाद आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है भाई। इस मंदिर को आप पवित्र रखने का, नो खैनी, नो तंबाकू, नो जुआ, नो गाली, नो मारपीट। समय बहुत कम है भाई, ये सब का समय दौर खत्म हो गया। हमको पवित्र जीने का है,
हमको एक दूसरे को उठाने का है, एक दूसरे को यीशु का नाम में उन्नति और बरकत पाने का है। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, समय कम है, फिजूल का टाइम वेस्ट मत करो। वो टीवी देखकर, कौन सा सीरियल चल रहा है अभी? सास वापस, सास कभी बहू था और बहू कभी भी सास था। अरे आप बिना देखे सास तो कभी कभी बहू था भाई। और कौन सा है? मत देखो, टाइम पास मत करो, बंद करो टीवी। इधर वो सीधा चश्मा पहनने के लिए इतना समय नहीं, तुम उल्टा चश्मा पहना रहे हमको। किसी को बोलो, समय नहीं मेरे पास। जोर से बोलो, समय नहीं मेरे पास। हालेलुया, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, 15-20 साल में यीशु मेघों पे आने वाला है। ये दुनिया फिर बहुत भयंकर कठिनाइयों के मनुष्य रहेंगे, पर 7 साल वेदना का साल होगा। परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल समय, आप समझ सकते हो वो 7 साल कैसे जाएगा? किसी को बोलो, हम और आप रहेंगे नहीं। जोर से बोलो, हम और आप। हम क्यों तैयार करें? दुल्हन होकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर मुलाकात करेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं रहेगा नहीं, मैं वेदना में। कलयुग नहीं आया है, कलयुग आने वाला है। उस राज्य को बोलते हैं एंटी क्राइस्ट रूल, क्रिस्त विरोधी। उस समय नो पवित्र आत्मा, नो यीशु मसीह, सिर्फ खूनी खून। लोग मरना चाहेंगे, नहीं मरेंगे। हालेलुया, इसलिए रेवलेशन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहा है? जोर से बोलो, मैं नहीं रहूंगा। हमारा आप कलयुग के लिए नहीं, हमारा आप यीशु के लिए है। जोर से बोलो, हमारा आप यीशु के लिए हमेशा। इसलिए हमारा एक मुद्दा है, मैं स्वर्ग जैसा जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कम ऑन, जोर से मेरे साथ बोलो, मैं स्वर्ग जैसा जीऊंगा। दो ही जगह है मरने के बाद, एक व्यक्ति दो ही जगह जा सकता है, उसका तीसरा जगह नहीं, कोई बीच में लटकने वाला नहीं है। एक स्वर्ग, दूसरा नरक। जोर से बोलो, एक स्वर्ग, दूसरा नरक। नरक क्या है? आग की भट्टी है। शैतान आज जो दिखता नहीं, ना आपको बीमारी देता है, ना आपको वेदना देता है, ना आपको दर्द देता है, ना उधर वो दिखेगा। उसका उसका जगह वो है, और उसका कोशिश ये है कि जितना मानव जाति को भी लेके जाए। जोर से बोलो, मैं फंसने वाला नहीं, मैं उससे बाहर आया हूं। मैं यीशु मसीह में आया हूं, मैं अंधकार से ज्योति में आया हूं। अब हमें ज्योति में बने रहने का। जोर से बोलो, मैं ज्योति में बना रहा हूं। यीशु मसीह ज्योति है, मैं यीशु में बना है तो मैं ज्योति हूं। आमेन। स्वर्ग, स्वर्ग ये परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य है भाई। उस जगह पर सिर्फ यीशु मसीह लेके जा सकता है, सिर्फ पवित्र आत्मा रहता है, सिर्फ पिता परमेश्वर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। हमारा आप सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा आप आत्मा है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं प्राण हूं। मेरा मन, भावना, इच्छा है, मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। मेरे साथ बोलो, किसी को बोलो, समझो आप कौन है? आत्मा है। आत्मा मरता नहीं, वापस बोलता, आत्मा नो डेथ। वेदना होता है, सड़न होता है, पर मरता नहीं। इसलिए आपको मरने के बाद स्वर्ग जाने का है, नरक जाने का, आपको इधर ही निर्णय लेने का है। किसी को बोलो, जीते जी आपको टिकट लेने का है, किधर जाने का है, स्वर्ग या नरक। जो यीशु को ठुकराएगा वो नरक जाएगा, जो यीशु को रिसीव करेगा वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, कितना लोग बोलता है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। अब जो जीवन मुझे दिया, पिछले दिन मैं हॉस्पिटल में गए, एक लड़का 27 साल मरने के लिए पड़ा है। हालेलुया, मैं उससे बात करने लगा, मुझे मिलते ही उसके अंदर जोश आया। बोलता है, पास्टर जी मैं जीना चाहता हूँ। बोला, आज से तू बोल यीशु मेरा प्रभु, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, तेरे को वापस प्रभु जीवन देगा। उससे पहले मैं बोला, तूने अपना जीवन पाप इतना किया है कि सब कुछ
सबको यह तुम्हें छोड़ दिया, आज तू अंगीकार कर सारी पापों को और बोल प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आज से तेरे लिए जीना चाहता हूँ। मैं खुशी खुशी उसे प्रार्थना में अगुवाई किया, छोड़ के आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ वो बिस्तर से उठकर प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? हम क्या है? आत्मा है। आत्मा मरता नहीं, अमर रहता है। कहाँ? नरक या स्वर्ग, आपको डिसाइड करने का। एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि वो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग पर गया है। जोर से बोलो, यीशु मसीह जाते आते रहता है, इसलिए वो आपको भी जाते आते लेके जाएगा। बाकी कोई नहीं जाता, जाता आता कोई नहीं। कौन जाता है? यीशु मसीह। कौन आता है? यीशु मसीह आया, 33.5 साल मनुष्य बन के जिया। अब वो आज किधर है? स्वर्ग में। आज हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। ठीक है, जब जिस दिन मेरी सवाल है, पवित्र आत्मा आपके अंदर कब आता है? पवित्र आत्मा कब आते हैं? कब आते हैं पवित्र आत्मा? बपतिस्मा होने के लिए। जोर से ताली बजाओ मनीषा बेटी के लिए। कब आते हैं पवित्र आत्मा? बपतिस्मा के बाद। और कोई? जब विश्वास के साथ परमेश्वर के बात करेगा तब। और कौन बताएंगे? यस, रोमियो 10:9 में लिखा है, जिस दिन तू अपने मुंह से, तू अपने मुंह को क्या बोलते हैं? जबान से, मराठी में तोंड। तू अपने तोंड से कोई शब्द मुझे भी तू अपने मुंह से जब यीशु प्रभु है बोलता है, उसी समय उसका पहले पवित्र आत्मा आया, इसलिए आप बोल सकता है। एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह प्रभु नहीं बोलता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बोलेगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं कट्टर हूं, मैं वो, उसके अंदर कौन नहीं है? इसलिए जब भी किसी को सुसमाचार देता है, प्रार्थना करो उसकी अंधेपन निकले, ताकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आए। और जब पवित्र आत्मा आएगा, आप सुसमाचार सुनाएगा, वो घुटना टेककर यीशु को प्रभु बोलेगा। हालेलुया, अब मैं जोश में आ गया। कितने लोग सुन रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। कब आया पवित्र आत्मा? जब आपने यीशु को प्रभु बोला। आप प्रभु का वचन कहता है, वो व्यक्ति यीशु को प्रभु तभी बोल सकता है जब उसके अंदर पवित्र आत्मा है। हाय, बोलो है, जोर से बोलो ना है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आया? जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, यीशु, देखो कितने बार किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बोला, आपने बोला नहीं, क्रिश्चियन का परमेश्वर है, नहीं मेरा परमेश्वर, मेरा ये कोटी है, मेरा वो है, मेरा ये है। पर एक दिन अचानक आप बोलने लगता है, यीशु मेरा प्रभु। क्या हुआ? आपके अंदर अब एक पवित्र आत्मा आ गया, जो आपको बुलवाता है, यीशु ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। तब तक कोई नहीं बोलता, तब तक बोलता है कट्टरपन दिखाते। हालेलुया, कम ऑन, हाथ उठा के बोलो, पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपने मेरे अंदर आकर मुझे यीशु प्रभु है करके बोलने के लिए मुझे मेरी आंखों को खोल दिया, मेरी जबानों को खोल दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, कितने लोग सुन रहे? आमेन। अब मैं विषय पे आ रहा हूँ। कितने लोग सुन रहे? हम क्या है? आत्मा है। हमारा एक प्राण है, मन भावना इच्छा, मैं शरीर बोल के तंबू में रहता है। जब आप यीशु को प्रभु बोलते हैं, आपकी आत्मा में कौन आया? पवित्र आत्मा आया। आपका आत्मा नया हो गया, पर पवित्र आत्मा जैसा, परमेश्वर जैसा, आपकी आत्मा नया हो गया, पर आपका मन भावना इच्छा और शरीर वही फटीचर है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है, भरपूरी होता है आपकी आत्मा से, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, तेरी अंदर से जीवन की नदियां निकलते हैं। जोर से हाथ रखो, बोलो मेरे अंदर से जीवन की नदियां निकलते हैं।
फिर आपके अंदर अगर मौत भी रहेगा तो उसको फ्यूज होना पड़ेगा, उसको खत्म होना पड़ेगा। किडनी फेल है, अब बोलते रहेगा मेरे अंदर से जीवन की आत्मा, जीवन की नदियां निकले, आपका किडनी सही हो जाएगा, आपका लिवर सही हो जाएगा, आपका पेट सही हो जाएगा, आप चंगाई में जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पवित्र आत्मा आपको आत्मा से, प्राण से, शरीर में बहने लगता है, फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति, उसके अभिषेक से भर जाते हैं। हालेलुया, इसलिए गलातियों 5 उसका 16 में लिखा है, तुमको कैसा चलने का है? आत्मा में चलने का है। जो व्यक्ति आत्मा में चलता है वो वचन पढ़ेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो संडे के मीटिंग में आएगा, वो विश्वासी लोगों से संगति करेगा, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, क्योंकि आप आत्मा की चलाए चलते हैं। हालेलुया, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ते, जो संडे आते हैं बाकी दिन कुछ भी करते हैं, वो आत्मा से चलाए नहीं चलते। भले ही पवित्र आत्मा है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को प्रभु बोला पवित्र आत्मा है, पर आप आत्मा में चलते नहीं हैं। हालेलुया, जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मीटिंग में आते हैं, आप आत्मा में चलते हैं, पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटे नहीं, मैं हरी हरी हराई हरी चराइयों में ले चलता है। मौत की तराई में प्रभु हमें ले चलेगा और उस मौत पर प्रभु हमें विजय देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 7 उसका 38, 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से, उसके दिल से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। कारण क्यों? कारण क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है। जहाँ पवित्र आत्मा है उधर जीवन की नदियां बहेगा। हर रोज बोलो, हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर से। देखो, आपको जो जीने का सब कुछ आपके अंदर है, मेरा भक्ति के लिए, मेरे जीने के लिए, मेरे आशीष के लिए, सब कुछ मेरे। हम दुनिया भर ढूंढते, कहाँ ढूंढूंगा मैं, एक किसी को बोलो अंदर ढूंढो भाई, हाथ रख के बोलो, हर रोज बोलो, मेरे अंदर जीवन की नदियां है, वो जीवन की नदियां हर जरूरत को पूरा करेगा। वो पैसा देगा, पक्का देगा, वो घर देगा, पक्का देगा, हर जरूरत को आपका पूरा करेगा। क्यों? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर, काम करता वो बाहर, ये कैसा बदला मुझे, यस, यीशु मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, यीशु मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, पाक आत्मा मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, पाक आत्मा मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, वचन मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आमेन। इसलिए कई लोग, पवित्र आत्मा अंदर है पर क्या होता है, आशीष नहीं पा रहे। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा है, पर आशीष क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए मौका नहीं दे रहे। जिस दिन आप पवित्र आत्मा की मदद लेगा ना, यीशु मसीह क्या बोला,
मैं जा रहा हूँ, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी मदद के लिए एक मददगार को भेजता हूँ, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बड़े बड़े कार्य करने के लिए, स्टेडियम खरीदने का सामर्थ पवित्र आत्मा दिया है, बिल्डिंग बनाने की सामर्थ पवित्र आत्मा दिया है, हजारों के गाड़ी का शोरूम का पवित्र आत्मा सामर्थ दिया है, पर हमने मदद नहीं दिया। कितने लोग आज से मदद लेंगे? आमीन। आपको मालूम है सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन दिनों में पास्टर बेनी ही ने, कितने लोग को मालूम है? हालेलुया। क्यों इतने प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको और मुझे उतना नहीं कर रहे, क्योंकि वो हर रोज सुबह उठते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। कम ऑन, जोर से बोलो ना, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। कितने लोग आज से बोलेंगे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट? आप मुझे 24 घंटा दिया है, इस आपको मालूम है हर एक व्यक्ति का प्लान परमेश्वर हर रोज बना के रखा है, आपका दिन का ब्लूप्रिंट परमेश्वर बना के रखा है। एक बिल्डिंग बनता है ना, तलवार से आपको मालूम है बिल्डिंग बनता है तो उसका पहले क्या करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, फाउंडेशन बना, कितना अंदर होना चाहिए, कितना बाहर होना चाहिए, कितना बाजू में होना चाहिए, कितना इधर। ऐसा नहीं कि एक दिन मेस्त्री पकड़ा, चल भाई बिल्डिंग बनाते हैं, कहाँ बिल्डिंग बनने वाला है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए अगर इतना दरकार है तो कितना अधिक हमारी जीवन बनने के लिए परमेश्वर की ब्लूप्रिंट हमको चाहिए। कमान जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरा जीवन का ब्लूप्रिंट मुझे दो। हालेलुया। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति के जीवन का प्लान परमेश्वर बना के रखा है, जब आप उसके साथ संगति करेगा, पवित्र आत्मा के साथ एक होगा तो क्या होगा, आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करेगा। तो सुबह उठेंगे क्या करेंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आज का दिन मेरी हर कदम को पवित्र आत्मा आप अभिषेक करिए, मेरे हर कामों को आप उन्नति और बरकत दीजिए, मैं वही करना चाहता हूं पवित्र आत्मा आप जो मुझे बताएगा। कितने लोग आज से बोलेंगे, जितना पवित्र आत्मा का नाम लेंगे आप उतना आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में व्यर्थ नाम लेने के लिए नियम था भाई, व्यर्थ परमेश्वर का नाम नहीं लेने। अभी प्रभु बोलता है स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। जितना आप नाम लेंगे उस नाम में सामर्थ्य है भाई, जो से बोले वो नाम में सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर मदद करता है, हमारा परमेश्वर आपकी जरूरत पर आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपको हाथों में ले चलेगा। हालेलुया, जोर से बोलो यीशु मसीह मुझे हाथों में ले चलेगा, परिस्थिति के बीच में वो मुझे हाथों में ले चलेगा। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमको पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होने का, हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे मदद कर, मुझे आपकी सरकार है। जैसा आज बच्चे लोग बोल रहे थे खाना बनाने के लिए यीशु का लहू लगाया, कितना पावरफुल है भाई, फीका गाना अच्छा खाना हो गया, यीशु के नाम में अच्छा खाना भी अच्छा होता है। हालेलुया। कितने लोग आज से लेंगे, वो नाम में सामर्थ है, पहचानिए उस नाम में, उस नाम के लिए जिए, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप मदद लेगा तो क्या क्या फायदा होगा, पवित्र आत्मा क्या क्या करता है। ओके, पहला जकरिया 12 उसका 10, जकरिया 12 उसका 10, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। प्रार्थना सिखाने, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप पवित्र आत्मा की मदद करेगा, आप खुद में खुद प्रार्थना करेगा, आपको प्रार्थना बोरिंग नहीं लगेगा, प्रार्थना आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे, कई बार हम प्रार्थना करते नींद आते हैं, हालेलुया, अच्छा नहीं लगते, पर जब आप करेगा
पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, प्रार्थना करने के लिए अगवा करेगा। आमेन। पिक्चर 3 घंटा देख सकते हैं, पवित्र आत्मा के साथ कितना घंटा बिताते। पिक्चर आपको क्या देगा, कुछ नहीं। बीच में बैठ के रोएंगे, बीच में बैठ के हंसेंगे, और जब पिक्चर खत्म हो गया वापस दुनिया वही वैसे ही है। पर पवित्र आत्मा के साथ 3 घंटा बिताएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका लेवल बदल जाएगा, आपका स्टाइल बदल जाएगा। कितना लोग आज से बिताएंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। योहन्ना 14 उसका 26, योहन्ना 14:26, परंतु सहायक, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से, जिसे पिता यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुझे सब बातें सिखाएगा। वचन कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। जब आप वचन पढ़ते हैं पवित्र आत्मा को बोलो, मैं नहीं जानता पर आप मुझे सिखाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देंगे, हर वचन का उसका मीनिंग देंगे, उसकी अर्थ देंगे, उसका प्रकाश, उसका रेवलेशन देंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन का गहराई को आपको सिखाएगा। मैं कोई बाइबल स्कूल में नहीं गया, हालेलुया, पर हर रोज सुबह एक पाठशाला है जिसमें मैं जाता हूँ। पूछो ना कौन सा पाठशाला है, पवित्र आत्मा की पाठशाला है। सुबह उठता हूँ, किसका पाठशाला में जाता है, मैं और पवित्र आत्मा बैठकर घंटों वचन, प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, लोगों के लिए प्रार्थना, प्रभु मुझे आहे भर भर कर प्रार्थना करने के लिए, वचन सीखने के लिए। प्रभु मुझे हर रोज कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पवित्र आत्मा के साथ समय निकालता हूँ। हर संडे आप आते हैं, 2-2 घंटा सुनते हैं। कितने लोग को अगला हफ्ता इधर खड़ा करेगा, आप 2 घंटा प्रचार करेंगे, करेंगे? वो तभी होगा जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय। मैं सुबह जाता हूँ 9 बजे थाने में, 12 बजे तो उधर प्रचार करता हूँ। हालेलुया। उसके बाद शाम को इधर आते हैं, कल पास्टर्स लोग का बीच में प्रचार किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं एक पाठशाला में जाता हूँ जो पाठशाला में पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। हालेलुया। इसलिए आप बैठ के सुनते, नहीं तो आप बैठ के सोते थे। किसी को नींद आ रहा है? क्योंकि इस जगह पर कौन है, जोर से बोलो ना, छिला के बोलो ना, हमें वो पवित्र आत्मा। आप सोएगा तो भी हिलाएगा, कभी कभी आग लगेगा, कभी कभी हंसेगा, कभी कभी रोएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी भावनाओं से भी बात करता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए वचन कहता है, क्या लिखा है 26 में, परंतु सहायक, परंतु सहायक यानी कि पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, वह सब तुम्हें स्मरण। हर विश्वासी स्वर्ग जाएंगे, जोर से बोलो स्वर्ग जाएंगे। पर वो जब स्वर्ग जाएंगे वो बोलेगा माय गॉड, जोर से बोलो माय गॉड, चिल्ला के स्टाइल से बोलो माय गॉड, मेरे लिए परमेश्वर कितना रखा था, मैं कुछ भी नहीं अनुभव किया, क्योंकि वो व्यक्ति ने पवित्र आत्मा की मदद नहीं लिया।
हे कोई सुन रहा मुझे? कितने लोग आज से बोलेगा, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा, जब यीशु मसीह के पास खड़ा होगा, तो मैं ऐसा कोई चीज मैं चूकना नहीं चाहता हूं, हर वो बातें प्रभु मेरे लिए रखा है मैं पाकर ही जाऊंगा। कितना लोग बोलेंगे आज से? यस, अगर प्रभु की हर बातें आप पाएगा, पक्का इस धरती में आप आशीषमय व्यक्ति होगा, आपका जैसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कितना लोग बोलेंगे? जिस दिन मैं, एक दिन हर व्यक्ति को यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। राम रे, मुस्तफा रे, या अंतोनी, हर व्यक्ति को यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब वो यीशु मसीह पूछेगा, आपको मैंने एक जीवन दिया, आपने क्या किया? हालेलुया। आप नहीं बोल सकता कि मैंने पढ़ाई किया, पीएचडी किया, शादी किया, दो बच्चे हुए, एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया। यीशु बोलेगा, चल निकल इधर। तुमको सिर्फ धरती के लिए बनाया कि मैं स्वर्ग के लिए बनाया? कमान जोर से बोलो ना, स्वर्ग के बनाया। और तू स्वर्ग की क्या काम किया? तुम बोलेगा, मैं वचन पढ़ा। क्या बात है, शाबाश। तूने बोले प्रार्थना किया, शाबाश। तुमको मालूम है मैंने ये सब तुम्हारे लिए रखा था, तुमने चूक गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे साथ है, ये सारी बातें तुमको बता बता कर ले चलने के लिए, पर तुमने कभी भी एक बार भी पवित्र आत्मा को स्वागत नहीं किया, एक बार भी पवित्र आत्मा को बुलाया नहीं। इधर बैठे हुए एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकेगा, उस दिन यीशु मसीह को मुझे नहीं जानता था। वो बोलेगा, आज की तारीख कौन सा है? 28 सितंबर रात के, अरे हम आगे चले जा रहे हैं भाई, 28 सितंबर रात के 7:30 बजे पास्टर विल्सन, अपोस्टल विल्सन ने आपको बोला था, पवित्र आत्मा की मदद लो, आपने नहीं लिया, आपने क्या क्या छूका, उसके लिए दंड नहीं मिलेंगे, पर आप अफसोस करेंगे, माय गॉड, मेरे लिए क्या रखा था, मैंने कुछ पाया नहीं। आज से बोलो, मेरे लिए जो कुछ प्रभु रखा है, मैं वो सब कुछ पाकर जाऊंगा, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़कर जाऊंगा। हर व्यक्ति काम के लिए बनाया, आप वो काम नहीं करेगा वो काम अधूरा रहेगा, पर आप वो काम करेगा स्वर्ग में, जब यीशु के पास खड़ा रहेगा, यीशु आपको थपथपा के बोले, वाह शाबाश बेटा, आपने सब कुछ किया, इसलिए विश्वास योग्य बेटा, चल मेरे साथ। हालेलुया। स्वर्ग में यात्रा पर यीशु आपको लेके जाएगा शाबाशों के साथ। पर कई लोगों को प्रभु बोलेगा, तूने मेरे नाम से चमत्कार किया, चिन्ह किया, पर मैं तुझे जानता नहीं। हालेलुया। पर हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति को प्रभु बोलेगा, शाबाश बेटा। कम ऑन, जोर से बोलो, शाबाश बेटी, आपने सब कुछ किया, मैं आपसे खुश हूं, चल मेरे साथ, सिंहासन के पास चल, मेरे साथ तू बैठ। हालेलुया। उस दिन कितना अच्छा लगेगा, किसी को बोला अभी से करेंगे तो पक्का उस दिन अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो उस दिन अफसोस करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के साथ जो कुछ यीशु मसीह मेरे लिए रखा है, मैं वो सारी बातों को कर ही इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला क्या है, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मेरा लाइफ लाइन हो गया, प्रार्थना मुझे हमेशा, मैं प्रार्थना में मगन रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझे कनेक्ट करता है परमेश्वर के साथ, स्वर्ग के साथ। हालेलुया। दूसरा, जब हम पवित्र वचन पढ़ेगा, पवित्र आत्मा मुझे अंदर की बात बताए। कभी कभी एक ही वचन लेता है, मैं दिन भर उसमें घुसा रहता है, इतना बातें प्रभु करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन एक बड़ा समुद्र है भाई। कितने लोग डुबकी मारे, डुबकी मारो भाई, डुबकी मारो, कौन सा गाना था? हाँ, डुबकी लगाओ रे भाई, डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ, कमान कमान जोर से, डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ रे बाबा, दुनिया में नहीं ये
यीशु में, वचन में जब आप डुबकी लगाएगा आपका मन सेटिस्फाई हो जाए, आपका मन आशीष में होगा। ओके, तीसरी बात, प्रेरितों के किताब 1:8, प्रेरितों के किताब 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा आया है, बाजूवाले से पूछो आपके अंदर पवित्र आत्मा आया है, कब आया? जब आप यीशु को प्रभु बोला, आमेन, और तब से आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाऊंगा, दुनिया हिलाऊंगा, सामर्थ्य पाऊंगा, दुनिया हिलाऊंगा, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से, सामर्थ्य पाऊंगा, दुनिया हिलाऊंगा, सामर्थ्य पाऊंगा, दुनिया हिलाऊंगा, यीशु तेरे नाम से। हाँ, क्या लिखा है? फिर तो की काम एक आठ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, और यरूशलेम, और सारे यहूदिया, सारे यहूदिया, और सामरिया में, और समरिया में, और पृथ्वी की छोर तक, और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आमेन। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है आप किसी को भी सुसमाचार सुनाएं, आप डरेंगे नहीं। हालेलुया, क्योंकि आपने सामर्थ पाया। जोर से बोलो, मैंने सामर्थ पाया ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यीशु की महिमा करो, यीशु की नाम को दूसरा को बताओ। कितना लोग बताएंगे? हर रोज बोलो, मैं सामर्थ पाया हूं, मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा। कई बार हम सोचते हैं हम क्या बोलेंगे, आप अगर जाएगा लोग से आप मिलेगा, आप मुंह खोलेगा, आप नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा बोलेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? पर आपके अंदर वो चाहत होने का है, प्रभु मुझे इवेंजेलिज्म के लिए पावर दिया है, हालेलुया, सामर्थ दिया है। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं सामर्थ पाया हूं, मैं सामर्थ पाया हूं ताकि उसकी सुसमाचार को फैलाऊं। हालेलुया। पत्रोस बहुत डरा हुआ व्यक्ति था, छोटा लड़की, बोला ये बंदा को मैं यीशु मसीह के साथ देखा था। उस लड़की के सामने पत्रों से, मैं यीशु को जानते ही नहीं। हालेलुया। वही पत्रों जब पश्चाताप करके प्रभु से पश्चाताप मान के खड़ा होता है, 3,000 लोग यीशु को स्वीकार करता है, 5,000 लोग यीशु को स्वीकार करता है, अनगिनत लोग यीशु को स्वीकार करता है। अब क्या हो गया? अब उसमें समझ में आया, मुझे मेरे अंदर पवित्र आत्मा, वो मुझे सामर्थ देता है ताकि यीशु की नाम फैलाए, उसी में मेरी आशीष है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 12:9, पहला क्या है? पवित्र आत्मा आने से हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आने से हम वचन पढ़ेंगे, उसके रहस्य को समझेंगे। तीसरा, पवित्र आत्मा आएंगे मुझे सुसमाचार फैलाने की सामर्थ देता है। हाँ, चौथा, पहला कोरिन्थियों 12:9, और किसी को हाँ उसी आत्मा से, उसी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास, हाँ नहीं, पहला वाला वाक्य पढ़ो, क्योंकि एक को हाँ आत्मा के द्वारा, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा हमें नव वरदान देता है। आपको वरदान चाहिए? किससे मांगेंगे? पवित्र आत्मा। आपको आपको गिफ्ट चाहिए, आपको फल चाहिए, किससे मांगेंगे? फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, दया, कृपा, हालेलुया, भलाई, नौ फल। कितना लोग मांगेंगे? पवित्र आत्मा मुझे फल से भरो। आम जहां पर लगा लोग उधर जाते हैं, क्योंकि उस गाछ में फल लगा है। आपके अंदर अगर फल रहेगा लोग आपके पास आएंगे, अमेरिका, लंदन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे। किसी को बोलो, मैं मुझ में फल लगाया भाई। कौन फल लगाता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया।
पवित्र आत्मा मुझे वरदान देता है। वरदान कितना टाइप है? मैंने कितने बार सिखाया, कितना टाइप है? 9 वरदान है, बुद्धि, ज्ञान, चंगाई, हाँ, भविष्यवाणी, मिरेकल, हाँ, आत्मा की परख, भविष्यवाणी, 9 वरदान दिया है प्रभु जी, हमको मालूम ही नहीं। हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे वरदान दिया, मुझे उसे इस्तेमाल करने का। पवित्र आत्मा को पूछेगा, वो बताएगा आपको कौन सा वरदान, कौन सा गिफ्ट दिया है, आप किस कौन से चीज में माहिर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 17 और 18, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, किसी को बोलो अंडरलाइन करो, 17 और 18, प्रभु तो आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 और 18, या प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं पर, कहाँ पर पवित्र आत्मा है? मेरे अंदर में, जोर से बोलो मेरे अंदर, जहाँ पर पवित्र आत्मा है, हाँ, वहाँ पर स्वतंत्रता है, आजादी है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप गुलाम है भाई। हर रोज बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मेरे जेब में पैसा है। हालेलुया, रात को नींद नहीं है, पैसे ही नहीं है भाई, पैसा ले लेके कर्ज में डूबा हुआ है। हालेलुया, कर्ज में डूबा वाला व्यक्ति गुलाम है। रात से बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला हूँ। जोर से बोलो मैं कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला हूँ। मैं सिर हूँ पूछ नहीं, मैं घर के अंदर आशीष हूँ, मैं घर के बाहर आशीष हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हाँ, और जहाँ प्रभु का आत्मा है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। मैं गुलाम नहीं, मैं आजाद हूँ। इंडिया आजाद नहीं, पर आप आजाद है, क्योंकि पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। हालेलुया, हाँ। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से दुखित चेहरे से, खेदित चेहरे से, हाँ, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार आईना में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम यीशु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, हर रोज बोलो पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो, तेजस्वी बनाओ। कितने लोग बोलते हैं? मैं हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे तेजस्वी बनाओ, यीशु मसीह जैसा बनाओ। यीशु मसीह उसी को उठाएगा जो यीशु मसीह जैसा होगा। कितने लोग आज से बोलेंगे मैं यीशु मसीह जैसा होने वाला है? कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। किसको बनाएगा? जो बोलेगा, जो चुप बैठेगा, वचन है बैठेगा तो किधर मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको बोलने का। वचन क्या करने का? आपको चंगाई चाहिए तो आपको भूख लगे तो आपको खाना पड़ेगा, कोई नहीं खिलाएगा आपको, आपकी भूख आपको लेके निवला डालना पड़ेगा यार। उसी तरह वचन लेकर आप बोलेगा, वो वचन जिस परमेश्वर आशीष के लिए रखेगा वो आपके जीवन में होने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? आजादी है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर आजादी है। बाहर आजादी कब आएगा? जब पवित्र आत्मा को मौका देगा, स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा आज मुझे आजादी चाहिए, आज मुझे पैसा चाहिए, आज मुझे छुटकारा चाहिए, बस हो गया। चक्कर पे चक्कर दुष्ट आत्मा, जब पवित्र आत्मा को आप स्वागत करेंगे दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको कब्जा करेगा।
जब पवित्र आत्मा कब्जा करेगा आप उभरने लगेगा, आप उन्नति पाएगा, आप आशीष पाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, मैं तुझे लेके जाएगा। कब? जब तू पवित्र आत्मा को बुलाएगा। हालेलुया। कितने लोग आज से बुलाएंगे? कितने लोग नरोल में पवित्र आत्मा की बड़ी महिमा को देखेंगे? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की बड़ी महिमा को मैं अपने जीवन में देखूंगा। अब तक मनुष्य के जीवन में जो नहीं हुआ होने वाला है, पर वही पवित्र आत्मा करने वाला है जब आप पुकारेगा। कितने लोग आज से बोलेंगे पवित्र आत्मा? पढ़ाई करते हैं, बोलो पवित्र आत्मा को मुझे यूनिवर्सिटी टॉपर होने का है। पवित्र आत्मा आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनाएगा, नंबर वन बनाएगा। पवित्र आत्मा में सामर्थ है, पवित्र आत्मा में आशीष है, पवित्र आत्मा में उन्नति है। पर किसी को बोलो पर, आपको बोलना पड़ेगा पवित्र आत्मा आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, मुझे चाहिए आपको। वो आपके द्वारा ही हो सकता है, आपके बिना मैं जीरो हूँ, आप है तो मैं सब कुछ हूँ। जब आप बोलेगा पवित्र आत्मा इतना खुश हो जाएगा, आपको इतना उठा देगा आप सोच नहीं सकते। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करेगा, करेगा। बोलो करेगा। कम ऑन, जोर से बोलो करेगा। चिल्ला के बोलो करेगा। कितने लोग करेंगे? पवित्र आत्मा करने को तैयार, आप करेंगे? आप बुलाएंगे पवित्र आत्मा आजा आजा आजा? बोलो ना पवित्र आत्मा आजा। सुबह उठो बोलो पवित्र आत्मा, बाकी किसी को मत बोला, पवित्र आत्मा को बोला, बाकी सब आपके पीछे आएगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा आप में फल लगेगा, पवित्र आत्मा आएगा प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आएगा वचन बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा, पवित्र आत्मा का गुण आपके अंदर होगा, आप पवित्र आत्मा जैसा कैरेक्टर बन जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप अलग इंसान हो जाएंगे। जोर से बोलो मैं अलग हो जाएगा, मेरा चाल अलग हो जाएगा, मेरा सोच अलग हो जाएगा, मेरा बोली अलग हो जाएगा, मुझे छूने वाला आशीष पाएगा। यीशु मसीह को छुआ, 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री पल भर में ठीक हो गया। कारण क्यों? यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने वाला वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। क्या हम उस पवित्र आत्मा को यूज करते हैं, या हम आप प्रभु पवित्र आत्मा को बोलते हैं मैं उपलब्ध हूं मुझे इस्तेमाल कर? अच्छा, कितने लोग बोलेंगे? ये हफ्ता आज जो गवाही हुआ उसका 1000 गुना गवाही अगला हफ्ता होने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप पहचान रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बहाव होगा तो चील जैसा उड़ेंगे। ऐसा कैसा कैसा चील उड़ते हैं? कौवा देखा? कितना स्ट्रगल करते हैं। मुर्गी देखा? इतना उड़ता है तब गया। पर चील कैसा दिखाओ, कैसा? बाजू वाले को हाथ मत मारना, नहीं तो वो मारेगा। ऐसा हवा का झोंका, हवा जहां चलता है चील उधर, उसी तरह पवित्र आत्मा जहां चलाएगा उधर आप चलेगा, तो आप भी वैसे उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। कम ऑन, जोर से बोलो उड़ेगा। उकाब के समान उड़ेगा, गरुड़ के समान, गरुड़ ना, मैं सोचा जैकल तो नहीं बोल दिया, गरुड़ के समान उड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, यूहन्ना 4:24, जॉन 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। आमेन। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपको स्तुति आराधना करवाएगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर पीछे आती है। यीशु हमारा कितना महान, एक
पवित्र आत्मा रहेगा आपको, वो दिन वो गाना देगा, वो गाना गाएगा, कभी आप रोएंगे, कभी आप हंसेंगे, इतने महिमा से प्रभु आपको भर देगा, आपका सारा काम आसान हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए गाना गाओ, जोर से बोलो यीशु के लिए गाना गाओ। आप मुश्किल में परेशान है, टेंसड अप है, दोस्त लोग के कारण, ये कारण वो कारण, गाओ प्रभु के लिए। जब आप गाएगा परमेश्वर की शांति से आप भर जाएंगे। हालेलुया। जो शराब में किक नहीं मिलता, इसमें बड़ा किक मिलेगा, आप एकदम ऊपर हवाई पे उड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग गाएंगे आज से प्रभु के लिए नया गीत। प्रेज द लॉर्ड। जब आप गाएगा परमेश्वर की महिमा उतरेगा, परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगा, परमेश्वर झील के समान यानी कि माँ के समान अपनी आंचल में आपको क्या करेगा, थपथपाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु का प्यार चाहिए, प्रभु के लिए गाई। आमेन। प्रभु परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। कितने लोग आज से आराधना करेंगे, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाना देगा, पवित्र आत्मा आपको ले चलेगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, से आराधना मैं करता मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको क्या क्या फायदा है। पहला, आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना आपके लिए बोरिंग नहीं होगा, प्रभु आपको, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कोई पास्टर का काम नहीं, हर व्यक्ति का काम है। परमेश्वर हमें रखा है प्रार्थना करने के लिए। वो पवित्र आत्मा जब आप भर जाएंगे, आप निरंतर प्रार्थना करेंगे। दूसरा है परमेश्वर का वचन आपके लिए आसान हो जाएंगे। कई लोग बोलते पास्टर जी मैं पढ़ता हूँ कुछ समझते ही नहीं। आपने पवित्र आत्मा को बोला नहीं मदद कर। आज से क्या बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे सिखा। आप बहुत बड़ा टीचर हैं, मुझे सिखा। जब वो आपको टीच करेगा आप भी टीचर बन जाएंगे।
हालेलुया। उसका वचन ये पूरा, इसका ऑथर कौन है मालूम है? बाइबल का ऑथर कौन है? पवित्र आत्मा। 40 लेखक लिखा है, पर 40 लेखक को अगवा करने वाला व्यक्ति था पवित्र आत्मा। तो कौन आपको सिखाएगा? सबसे अच्छा तौर से कौन सिखाएगा? और फिर जब आप इधर आके बैठेगा, मेरे मुंह से पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, वचन सिखाता। तीसरा, वो सुसमाचार प्रचार करने की सामर्थ्य और धैर्य देगा। इन अंतिम दिनों में लोग डरा हुआ है, कोई किसी को यीशु का नाम नहीं बताते। हमें डरा हुआ है, पर हम और आप डरेंगे नहीं। प्रभु हमें धैर्य दिया, हमें मिशन दिया है, कमीशन दिया है। प्रभु जब बोलने बोलता है तो बोलने का है, किसी से भी डरने का नहीं। कितना लोग बोलेंगे? अपनी प्रभु आपको कंपनी में रखा है, उस कंपनी में यीशु का नाम बताने का है। प्रभु उस घर में रखा है, वो सारा घर के लोग यीशु को जानने का है। वो बिजनेस दिया है, क्यों दिया है? आपकी कमाई दूसरा है भाई, आपको लाखों को फायदा प्रभु करेगा, पर प्रभु चाहता है कि आप उनका उस कंपनी में सारी लोगों को यीशु का नाम बताए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको इवेंजेलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। किधर है पवित्र आत्मा? अगर आपके अंदर है, आप हर रोज हर व्यक्ति को यीशु का नाम बताएं, संकोच नहीं करें। आप क्या, वो नरक जाएगा तो आप खुश होगा? हर वो व्यक्ति जो आपके पास आता है, अगर यीशु का नाम नहीं सुना, यीशु आपसे पूछेगा, इस व्यक्ति को फलाना तारीख फलाना समय में आपके पास मैं भेजा था मेरा नाम सुनाने के लिए, आपने नहीं सुनाया। आज से बोलो, हर वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, यीशु का नाम मैं सुनाऊंगा। मैं तो किसी को पकड़ लेता तब तक छोड़ता नहीं जब तक यीशु का नाम नहीं बताता। वो बोलता है छोड़ छोड़, अभी समय हुआ नहीं छोड़ने का। कितना लोग सुन रहे? यस, किसी को भी छोड़ता नहीं। हालेलुया, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा, वो इवेंजेलिज्म सुसमाचार देने का सामर्थ्य दिया। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथा, वो मुझे गिफ्ट्स दिया, वरदान दिया। नव वरदान दिया, मांगो, प्रार्थना करो, प्रभु जी कौन सा वरदान मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ, मुझे दो वरदान। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, मैं वरदान में ऑपरेट करूँगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं नौ फलों में, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे बाहर नौ फल, नौ प्रेम, आनंद, कृपा, दयालु, संयम, विश्वास, योग्यता। हालेलुया, नौ फल हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे फल से भरो। मैं कृपालु व्यक्ति होना चाहता, मैं दयालु व्यक्ति होना, मैं पेशेंस होना चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। कितना बात हो गया? 1, 2, 3, 4, पांचवा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं आजाद हूँ। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं आजाद हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। जोर से बोलो, मैं आजाद हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे आजादी देता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। मैं बस में जाता है, मन ही मन प्रभु की आराधना। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मेरी गाड़ी में प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ। जिधर भी आप जाएंगे, आराधना करो, समय वेस्ट मत करो। जो समय को वेस्ट करते हैं उसका जीवन वेस्ट हो जाता है, जो समय को लेकर आराधना करते हैं उसका जीवन आशीष में होता है। कितने लोग आज से आराधक बनेंगे? परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहा है जो सत्य और आत्मा से आराधना करेगा। कितने लोग करेंगे? कितने लोग नया गीत गाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से उस डव को दिखाओ, डव, पिजन, कबूतर, जो भी है। मैन, गो फॉरवर्ड। यस, कितने लोग देख रहा है? होली स्पिरिट कैसे दर्शाता है? हाँ, कबूतर, कबूतर, इस दो पंख है। मैन, दो पंख में, ये पंख में नौ नौ फल है, दूसरे पंख में नौ वरदान है। उसका पूंछ पांच है, पूंछ में देख रहा है कितना पूंछ है? पांच पूंछ। कितना उंगली है? पहला कौन सा है? प्रेरित। दूसरा, दूसरा उंगली दिखाओ,
प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मतलब भविष्यवाता लोग, हमारे बीच में कई भविष्यवाताओं को प्रभु खड़ा करेंगे, हालेलुया, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटर्स को। तीसरा सबसे लंबा उंगली इवेंजलिस्ट है, हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट है, हर व्यक्ति सुसमाचार फैलाने के लिए आपको प्रभु रखा है, हर वो व्यक्ति को यीशु का नाम बताओ, हालेलुया, हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट, जोर से बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं इवेंजलिस्ट हूँ। कितना लोग अगला संडे एक व्यक्ति को लेके आएगा, अगर आप एक व्यक्ति को लेके आएंगे ये फ्लोर भरने वाला है, हालेलुया, छप्पर फाड़ के प्रभु आपको आशीष करेगा, आमेन। दो पाव है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह सर है, हम उसका देह है, हम एक परिवार है, कम ऑन जोर से बोलो, हम एक परिवार है, हम गॉड का परिवार है, परमेश्वर का परिवार है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ के हम जल्दी से खत्म करेंगे, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका पहला 1-4। कितने लोग बपतिस्मा लिए, आमेन, हमने क्या किया, पानी का बपतिस्मा दिया, अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने का है, अन्य भाषा एक चिन्ह है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, जोर से बोलो अन्य भाषा एक चिन्ह है, मैं पवित्र आत्मा में बात करने का, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, व्यक्ति है, परमेश्वर है, वो मेरे अंदर है, मेरे मुंह में एक बोली देता है, एक भाषा देता है, उसका नाम है अन्य भाषा, आमेन। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हिंदी भाषा है कि नहीं, राष्ट्रभाषा कौन सा है, उसी तरह स्वर्ग का एक भाषा है, उसका नाम है अन्य भाषा। कितना लोग आज से अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आमेन, प्रभु आपको एक भाषा दी है, आपको सीखने की दरकार नहीं, पवित्र आत्मा वो देता है, वो आपको तोहफा के समान दिया है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, आमेन, हालेलुया, अन्य भाषा बोलने का है, प्रेज द लॉर्ड। देखिए पढ़िए प्रेरितों के काम 2:1। जब पिंतेकोस्त का दिन आया, जब पिंतेकोस्त के दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, वे सब एक जगह इकट्ठा थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कौन, जो जो बोलो हर एक पर कौन आ ठहरा है, पवित्र आत्मा, हर एक व्यक्ति इधर अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, वो आपके लिए रखा है, जब आप स्वीकार करेंगे, आप बोलेंगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं अन्य भाषा में बोलूंगा, पवित्र आत्मा आपके जीभ के द्वारा बोलेगा, आपको मुंह खोलने का है, पवित्र आत्मा एक भाषा देगा, वो भाषा है अन्य भाषा, हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करने के, मैं घंटों प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा में, जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर से बात करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं रहस्य बातों को परमेश्वर खोलता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है दुष्ट के, आपको मालूम है शैतान नहीं समझता, सिर्फ परमेश्वर समझता है, कोई व्यक्ति नहीं समझता, आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करता है परमेश्वर से बात करता है, रहस्य बातों को खोलता है, हालेलुया। जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसका प्रार्थना जल्दी उत्तर आएगा, कितना लोगों को उत्तर चाहिए अन्य भाषा में प्रार्थना करो, देखो आमेन, आपको पूरा इंडिया में काम करने का है, पूरा इंडिया को रखकर अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु आपको इंडिया की कोना कोना ले जाकर प्रभु की महिमा को प्रकट करेगा, आपके काम में बॉस आपको तंग कर रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आपका बॉस निकल जाएगा, आपके बॉस के जगह में आपको बैठा देगा, मैं किया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा बॉस हमेशा हमको धमकी देता था, अगला तारीख ये फलाना डेट को तुम जाना पड़े, मैं अन्य भाषा, हम लोग दोनों अन्य भाषा में प्रार्थना करते, अगला तारीख बॉस गया, मैं बॉस के जगह, किसी को बोल रहा सुन रहे, हालेलुया, है कोई मेरे साथ, कितना लोग तैयार है, जब आप अन्य भाषा में करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है जो आपको दिखता नहीं, पर प्रभु आने वाला दिन वो आपके जीवन में करने वाला है, कितना लोग आज से अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो मेरा हक है, मेरा गिफ्ट है, प्रभु मुझे दिया है, मैं करूँगा, इसलिए किसी का मत सुनो, कई लोग बोलेगा अन्य भाषा गया अभी नहीं है, पहले होता था अभी नहीं है, मत सुनो, हालेलुया,
यीशु मसीह आज कल हमेशा के लिए वही समान है, वो बदलता नहीं। हालेलुया। जो से बोलो मुझे चाहिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करे, हर रोज प्रार्थना करने की। आपके घर में श्राप है, आपके घर में जादू टोना किया है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सब नष्ट हो जाएगा। हर श्राप निकलेगा, प्रभु की आशीष आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको आपका कैरेक्टर को बनाएगा। जैसा पवित्र आत्मा है, जैसा यीशु मसीह है। कितने लोगों को कैरेक्टर चाहिए पवित्र आत्मा और यीशु की? अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आज पवित्र आत्मा उंडे लेगा आप अन्य भाषा में। तो आपको क्या करने का है? जब आप मुंह खोलेगा, परमेश्वर जो भाषा मन में देगा आपको बोलने का है। हो सकता है वो एक लिपि हो, दो लिपि हो, सेंटेंस हो, आप बोलते रहने का। हालेलुया। कितने लोग आज नया भाषा में बोलेंगे? बोलेंगे? आइए हम सब खड़ा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। शक मत करो, प्रभु जब जो व्यक्ति शक करता है प्रभु उसे देता नहीं है। वचन तो आपको विश्वास करने। मैं कई साल तक अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया क्योंकि मुझे शक था। मैं बोलता था यीशु मसीह नहीं बोला कैसे मुझे देगा, आमेन। पर एक दिन परमेश्वर के सामने मैं पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा को बोला मुझे क्षमा कर, ये तेरा वचन है। मैं प्रार्थना किया रो रो कर, परमेश्वर मुझे भरा और पवित्र आत्मा से भर कर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। गलत विचारों को सुनो मत। जो लोग बोलते हैं अन्य भाषा नहीं है उनकी मत सुनो, क्योंकि वचन जो बोलता है वो सुनो। कितने लोग आज तक अन्य भाषा में प्रार्थना? आज प्रभु आपको भरे, आपको मेहनत करने की दरकार नहीं, प्रभु आपके लिए रखा है। जो से बोलो यीशु मेरे लिए रखा है, मुझे सिर्फ पाने का है। और मुझे इस आज जब आपको मिलेगा, हर रोज आधा घंटा एक घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आपका लेवल बदल जाएगा, आपकी आशीष की बारिश होने वाला है। मैं कभी नहीं बोलेगा। एक दिन हम लोग परिवारों के पुलिस स्टेशन में था, 25 आरएसएस लोग घेर लिए थे हमको। हालेलुया, पुलिस स्टेशन में कोई नहीं हमारे साथ। हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। आधा घंटे के अंदर सारा आरएसएस लोग कहां चला गया मालूम नहीं। किसी को बोलो पावर, जो से बोलो पावर। मेरा दुकान, मैं दुकान चलाता था।